मेरा नाम इमरान आवाज है और मैं गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज साले डिग्री कॉलेज में एज अ लेक्चरर इकोनॉमिक्स हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली इसका नाम से हमें पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। किसी कोई भी अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक्स में हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसकी एक कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है और उस कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम जो सबसे बुनियादी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है, इट इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। अब इसको स्टडी ऑफ चॉइसेस क्यों कहा जाता है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो रिलाई करती है वो स्केर्सिटी पे रिलाई करती है। अब स्केर्सिटी क्या है, स्केर्सिटी को समझने के लिए आप इस बात को समझें कि हमारी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। बड़ी दो चीजें ये समझें कि इकोनॉमिक्स जो है वो इजाद ही उसी सूरत में हुई थी जब इंसान ने इस चीज को जाना। वो क्या था, वो ये था कि इंसान की जो बॉन्ड्स हैं वो इंसान की जो बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं इंसान के, इंसान की जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। इंसान के रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, उसकी ख्वाहिशात हमेशा जो है वो अनलिमिटेड होती है। इकोनॉमिक्स में हम इन दोनों चीजों को बैलेंस करना समझते हैं। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हम किस तरीके से इन दो चीजों को बैलेंस करते हैं। ये दो चीजें बेसिकली डील करती हैं स्केर्सिटी को, और स्केर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें बेसिकली स्केर्सिटी को ही हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम स्केर्सिटी को ही बेसिकली पढ़ते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम ये के बताते हैं कि इट इज अ कॉस्ट ऑफ समथिंग दैट वी फॉरगो और रिफ्रेन फ्रॉम। हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसकी एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है हमें, उस कॉस्ट को जो है वो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल से इस बात को समझते हैं। लेट्स सपोज के एक शख्स है, वो अपनी डिग्री कंप्लीट की उसने और उसके बाद वो जॉब के लिए निकला और इत्तेफाक से उसे दो जॉब्स मिल गई। जॉब नंबर वन और जॉब नंबर टू।
ये दो जॉब उसको मिलने, इधर एक जॉब है ना बड़ा मुश्किल है, दो जॉब मिल गई हमें, अलग अलग करना ऐसा हुआ कि दो जॉब मिल गई, टैलेंटेड हो गया जो भी होगा। एक जॉब जो है वो अप्लाई करने काफी ज्यादा जगहों पे एक दिन किया हो, दो जॉब उनको एट अ टाइम मिल गई ऑफर आ गई। एक जॉब जो है जो जॉब वन है वो उनको ऑफर मिलती है 30,000 पर मंथ, और दूसरी जॉब जो है वो उन्हें ऑफर मिलती है 40,000 पर मंथ। अच्छा, अब जो अकल या दिल जो कहता है वो ये कहता है कि हम इसे जो भी फैक्स है 40,000 की जॉब अभी रखनी चाहिए, लेकिन ये जॉब जो है वो है तकरीबन इनके घर से 100 किलोमीटर दूर, और ये जो जॉब है ये इनके घर से है 10 किलोमीटर। अब दोनों जॉब्स को हम जब देखेंगे, जब जो शख्स जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, बेसिकली ये उसके पास चॉइसेस हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टडी ऑफ चॉइसेस है इकोनॉमिक्स, तो ये दोनों चीजें इसके पास चॉइसेस हैं, ये दो जो चॉइसेस हैं इनके पास, अब इसमें क्या चीज देख क्या चीज नोट करने वाली है कि ये जो एक जॉब है और एक ये जॉब है, अब इसमें जो 40,000 रुपए पर मंथ वाली जॉब है इसमें इन्हें क्या चीज ज्यादा कंज्यूम होगी, इनकी ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा इनको यूज करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा यूज करना पड़ेगा, और ये दोनों चीजें जो है वो बेसिकली आपकी क्या बनाती हैं, आपको पैसा कमाने के लिए ये चीजें चाहिए होगी, आपकी एनर्जी और आपकी टाइम। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों चीजें ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू दिस, अगर ये 30,000 वाली जॉब है इसमें इनको लेस एनर्जी चाहिए और इनका लेस टाइम लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक माइंडसेट है, जो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, उसके मुताबिक जो जॉब बनती है जो रैशनल डिसीजन बनता है वो ऑब्वियसली ये बनता है कि आप 40,000 की जॉब को छोड़ते हैं और 30,000 की जॉब आप करते हैं। आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा इस शख्स को, वो 10,000 रुपीज का सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब ये जो 10,000 रुपीज है एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है इन्हें, इस कॉस्ट को कहते हैं अपॉर्चुनिटी, ये कॉस्ट कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
स्केर्सली इस जो हमने एग्जांपल समझी, पीछे जो एग्जांपल दी उसमें स्केर्सली क्या चीज थी, क्या चीज थी, स्केयर थी। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एक आम शख्स के लिए, पीछे जो हमने एग्जांपल समझी उसमें जो रिसोर्सेस थे वो दो रिसोर्सेस थे। दो रिसोर्सेस क्या थे, पहला था टाइम और दूसरा था एनर्जी। ये दो किसी भी शख्स के लिए या कमाने के लिए ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यही रिसोर्स होता है इंसान का, एक टाइम और एक एनर्जी। टाइम ऑब्वियसली हमें पता है, टाइम जो है वो क्या है, टाइम लिमिटेड होता है, 24 घंटे से ज्यादा हो ही नहीं सकते। एक शख्स अगर काम करेगा, अगर ऑब्वियस पहली तो ये बात है कि 24 घंटे काम कोई कर नहीं सकता, लेकिन चले हम कंसिडर कर भी लें, अगर वो 24 घंटे भी काम करता है तो 25वां घंटा जब स्टार्ट होगा तो नया दिन स्टार्ट हो जाएगा। 24 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता, 24 घंटे अगर वो करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। दुनिया चेंज नहीं होगी, 24 घंटे के बाद नया दिन स्टार्ट होता है। तो इसकी टोटल लिमिट जो है वो 24 आवर्स ही है, 24 आवर्स से ज्यादा इसको, इस रिसोर्स को आप 24 आवर्स से ज्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, लिमिटेड है। इसी तरीके से एनर्जी, एक आम शख्स, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आम शख्स अगर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अगर काम करेगा तो 8 घंटे से ज्यादा काम एफिशिएंसी नहीं आएगी, एफिशिएंसी उसकी डाउन ही होगी 8 घंटे के बाद। तो ये भी हमें पता चल गया कि एनर्जी जो इंसान के अंदर जो एनर्जी रहती है वो भी 8 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे से ज्यादा की नहीं रहती। एक आम इंसान को काम करने के लिए कम से कम उसे 8 घंटे की नींद चाहिए, कम से कम 8 आवर्स स्लीप जो है ना वो उसको चाहिए, रिफ्रेश होने के लिए, वापस से रीगेन होने के लिए, अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए उसे तकरीबन 8 घंटे की नींद चाहिए। 8 घंटे काम करके 8 घंटे नींद चाहिए, और फिर वो थोड़ा सा इमोशनली, हर इंसान इमोशनली टच होता है अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पर भी टाइम देता है तो माइंड से रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, तो एनर्जी भी आप 8 घंटे से ज़्यादा की यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये दो रिसोर्सेज हैं, बताने का मकसद ये था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। पीछे जो हमने एग्जांपल समझी उसमें ये दो ही रिसोर्सेज थे, ये दोनों रिसोर्सेज को जहन में रख के फिर डिसीजन लिया गया। पीछे जो एग्जांपल मैंने आपको बताई कि एक 40,000 वाली जॉब थी, एक 30,000 वाली जॉब थी, रिसोर्सेज चूंकि लिमिटेड थे इसीलिए ये डिसीजन, वो डिसीजन लिया गया जो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट से मुराद ये है कि जो आपको ऐसा, आपने इकोनॉमिक्स में ऐसा डिसीजन लेना होता है जो कि आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देगा। टोटल पूरी इकोनॉमिक्स का जो मुद्दा है वो सारा इस चीज में है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन का। वो तमाम जो वो इस इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि वो कौन से डिसीजन लिए जाएं, वो किस टाइप के डिसीजन लिए जाएं जो हमें अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन दे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें एग्जैक्टली यही बताता है।
कि आप जो कॉस्ट बियर कर रहे हैं वो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन दे सकती है। आप जो चीज किसी चीज को हासिल करने के लिए, वो भी एक कॉमन सी फ्रेज है कि एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसकी आपको कॉस्ट पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल हमने समझी, वो तो थी एक मॉनिटरी बेसिस पे थी, एक उसमें फाइनेंशियल एलिमेंट था उसमें। अगर हम थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जो जो अभी यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हैं मुझे, वो उनके पास चॉइसिस था कि वो ये जो 20-30 मिनट का जो लेक्चर जो सुन रहे हैं आपने, आपके पास ये चॉइसेस थी कि आप इस ये जो 30 मिनट आप यूज़ कर रहे हैं इसको आप या तो मूवीज देखने में लगा सकते थे या दोस्तों में स्पेंड कर सकते थे, लेकिन आपने रैशनल डिसीजन लिया, आपने वो डिसीजन लिया कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स कहाँ से मिल सकता है, मैक्सिमम प्लेजर आप कहाँ से ले सकते हो, वो आपने चूज किया कि आपने ये 20-30 मिनट की वीडियो आपने देखनी है, ताकि आपके लॉन्ग टर्म में जो भी आपका प्लान होगा एक्चुअली आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो इस वीडियो को देख के। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या पे कर रहे हो, इसकी कॉस्ट वो पे कर रहे हो जो प्लेजर आप मूवी देखने में या आप दोस्तों के साथ स्पेंड करने में या कुछ और एक्टिविटी करने में या सोने में जो प्लेजर आप ले सकते थे 20 मिनट का, वो आपने फॉरगो किया, वो आपने उससे आप रिफ्रेन रहे, उससे आपने अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपने उसको छोड़ दिया, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या पे की आपने, वो प्लेजर जो कि आप ले सकते थे। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक बेसिक थीम है वो ये। तो ये जो है वो आज आपका था लेक्चर।